Mar, welcome to my channel Guru Krupa Academy. In today's video, I am going to tell you about the use of will and would. But before that, if you are new to our channel, then please subscribe our channel, like our videos and share it. First of all, I will tell you the use of will and would. Friends, इस video lecture में हम सबसे पहले will and would के बारे में discuss करेंगे. तो will and would को discuss करने से पहले, I will like to tell you about the use of will. Will is used to एक्सप्रेस बिलीफ अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर. फ्रेंड्स, विल का यूज़ हम अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी एंड फ्यूचर के बारे में भी. सेकेंड, टू टॉक अबाउट वॉट पीपल वॉन्ट टू डू और आर विलिंग टू डू. सेकेंड, ये बताने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं एंड किस बारे में बात करना चाहते हैं. थर्ड, टू मेक प्रोमिसेस, ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट. प्रोमिस करने के लिए जब हम किसी से वादा कर रहे हैं, ऑफ़र जब हम अपनी हेल्प किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड रिक्वेस्ट जब हम किसी से किसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सारी जगहों पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, विल इज़ यूज्ड टू. फर्स्ट, विल का इस्तेमाल हम अपने विश्वास को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के बारे में भी एंड फ्यूचर के बारे में भी. सेकेंड, ये बताने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं एंड किस बारे में बात करना चाहते हैं. थर्ड, अपने प्रॉमिसेस के लिए, अपनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एंड रिक्वेस्ट करने के लिए. इन सभी जगहों पर हम विल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ वुड. अब वुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं. वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. वुड विल का पास्ट फॉर्म है और इस तरीके से वुड का इस्तेमाल हम करते हैं टू टॉक अबाउट द पास्ट. जाहिर सी बात है, जब हम वुड विल के पास्ट फॉर्म में ले रहे हैं तो हम वुड का इस्तेमाल हमेशा तभी करेंगे जब हमें पास्ट के बारे में बात करनी है. सेकंड, टू टॉक अबाउट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मींस इमेजिनरी सिचुएशन जो अनरियल है. तो जब भी हम अनरियल सिचुएशंस की बात करेंगे, हाइपोथेसिस की बात करेंगे, देन वी विल ऑलवेज यूज़ वुड. थर्ड, फॉर पोलाइटनेस, यानी जब हमें विनम्रता से बात करनी है तब हम वुड का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ बिलीफ. वी यूज़ विल टू एक्सप्रेस बिलीफ अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर. एग्जाम्पल, जॉन विल बी इन हिज ऑफिस. यानी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हम विल का यूज़ बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी एंड फ्यूचर के बारे में भी. जैसे किसी ने मुझसे पूछा जॉन कहाँ है, तो मेरा रिप्लाई होगा जॉन विल बी इन हिज ऑफिस. जॉन उसकी ऑफिस में होगा, ये मेरा भरोसा है क्योंकि डेली उसका रूटीन है, वो इस टाइम डेली ऑफिस में होता है, इसीलिए ये मेरा बिलीफ है प्रेजेंट के लिए कि वो अभी भी ऑफिस में ही होगा. वी विल हैव टू टेक द ट्रेन. हमें ट्रेन पकड़नी होगी. तो यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सिचुएशन की डिमांड है कि वी विल हैव टू टेक द ट्रेन, इसीलिए यहाँ पर हम फ्यूचर बिलीफ को डिस्कस कर रहे हैं. वी यूज़ वुड एज द पास्ट ऑफ विल टू डिस्क्राइब पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर. जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि हम वुड का इस्तेमाल विल के पास्ट फॉर्म में करते हैं, तो हम वुड को पास्ट बिलीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल, आई थॉट वी वुड बी लेट सो वी वुड हैव टू टेक द बस. मैंने सोचा कि हम लेट हो जाएंगे और इसीलिए हमें बस पकड़नी पड़ेगी. तो ये पास्ट के बारे में हुआ नहीं है, बस मेरे मन में ख्याल आया था कि हम लेट हो जाएंगे और हमें बस पकड़नी पड़ती. नेक्स्ट इज़ विलिंगनेस. अब इच्छा के लिए वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल वांट टू डू और आर विलिंग टू डू. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि विल का यूज़ हम बात बताने के लिए करते हैं कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं या लोग क्या करना चाहते हैं. एग्जाम्पल, वी विल सी यू टुमारो. यानी ये हमारी इच्छा है कि हम आपको कल देखेंगे या हम आपसे कल मिलेंगे. परहैप्स डैड विल लेंड मी द कार. शायद डैड मुझे कार दे देंगे. तो ये हम बता रहे हैं. नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट टिपिकल बिहेवियर थिंग्स दैट वी ऑफन डू. नेक्स्ट है विल का यूज़ हम हमारे टिपिकल बिहेवियर के लिए करते हैं, यानी द थिंग्स विच वी आर हैबिचुअल टू, जिनके लिए हम हैबिचुअल है या जो हमारी आदतें हैं या हम अधिकतर वो बातें करते हैं. एग्जाम्पल, वी विल गो अक्रॉस द रोड टू द बीच. हम बीच के लिए रोड के किनारे किनारे जाएंगे. वी विल गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. हम रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे. तो ये हमारा टिपिकल बिहेवियर है, हम ऐसा करते ही करते हैं और इस कारण से हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे.
We use would as the past tense of will to talk about what people wanted to do or were willing to do in the past. अब जैसा कि would will का past form है, past form होने के कारण हम would का इस्तेमाल willingness के लिए तो करेंगे, लेकिन कब? past tense के willingness के लिए. जैसे we had a terrible night, the baby wouldn't go to sleep. लास्ट रात हमारी बहुत भयानक थी, बच्चा सोने ही नहीं जा रहा था. Dad wouldn't lend me the car, so we had to take the train. Dad ने मुझे कार नहीं दी, इसीलिए हमें ट्रेन पकड़नी पड़ी. तो ये पास्ट के बारे में हम बता रहे हैं, what people want to do or were willing to do in the past. और इसीलिए we have used will, would. To talk about typical behavior, things that we often did in the past. अब typical behavior जो हम अधिकतर past में करते थे. Example, they would get up early in the morning and have a quick breakfast. यानी उनकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और breakfast करते थे. तो हमेशा हम would का use will के past form की तरह करेंगे. Friends, जैसे will का use हम what people want to do or are willing to do के लिए करते हैं, would का use हम what people wanted to do and were willing to do in the past के लिए कर रहे हैं. Will का use हम typical behavior show करने के लिए करते हैं in the present. एंड वुड का यूज़ हम टिपिकल बिहेवियर शो करने के लिए करते हैं इन द पास्ट. नेक्स्ट, प्रोमिसेस, ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट. अब प्रोमिस करने के लिए, ऑफर्स देने के लिए एंड रिक्वेस्ट के लिए वी यूज़ आई विल और वी विल टू मेक प्रोमिसेस एंड ऑफर्स. फ्रेंड्स, हम आई विल या वी विल का इस्तेमाल करते हैं प्रोमिस या ऑफर्स के लिए. एग्जाम्पल, वी विल कम एंड सी यू नेक्स्ट वीक. हम आएंगे और तुमको अगले हफ्ते देखेंगे, या हम आकर आपको अगले हफ्ते देखेंगे. नेक्स्ट इज, आई विल गिव यू अ लिफ्ट टू होम आफ्टर द पार्टी. मैं पार्टी के बाद आपको घर तक के लिए लिफ्ट दे दूंगा. तो यहाँ पर हम प्रोमिसेस एंड ऑफर्स दे रहे हैं. वी यूज़ विल यू और वुड यू टू मेक रिक्वेस्ट. अब जब भी फ्रेंड्स हमें रिक्वेस्ट करना होता है किसी से, या हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत है यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हम हेल्प दे रहे हैं यानी हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमेशा हम रिक्वेस्ट के लिए विल यू या वुड यू का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, विल यू कैरी दिस बैग फॉर मी प्लीज़. मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या आप मेरे लिए ये बैग उठा सकते हैं प्लीज़. वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप चुप रह सकते हैं क्योंकि आपके बोलने से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है. तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम वुड या विल का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज, हाइपोथेसिस एंड कंडीशनल्स. हाइपोथेसिस मीन्स अनरियल सिचुएशन जो अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती. एंड कंडीशनल्स, जब भी हम किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं. वी यूज़ विल इन कंडीशनल्स टू से व्हाट वी थिंक विल हैपन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर. विल का यूज़ हम कंडीशन के लिए करते हैं फ्रेंड्स, जब हम सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या होगा. Example, I will give her a call if I can find her number. अगर मुझे उसका नंबर मिला तो मैं उसको कॉल करूँगा. तो यहाँ पर कंडीशन है, यानी नंबर नहीं मिला तो मैं उसको कॉल नहीं करूँगा, लेकिन इन केस अगर मुझे नंबर मिलता है तो मैं उसे डेफिनेटली कॉल करूँगा. वी यूज़ वुड टू मेक हाइपोथेसिस. यानी वुड का यूज़ हम हाइपोथेसिस के लिए करते हैं व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन. एग्जाम्पल, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल. यानी अब वुड का यूज़ हम अनरियल सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, जब हम किसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं. जैसे अगर हम होटल में रुकते हैं तो वह बहुत एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली होगा. इन कंडीशनल्स, एग्जांपल, यू वुड लूज़ वेट इफ़ यू टुक मोर एक्सरसाइज. अब यहाँ पर कंडीशन के लिए भी हम कभी कभी वुड का यूज़ करते हैं. जैसे आपका वज़न कम हो जाएगा अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.